नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है ELK स्टैक। ELK स्टैक क्यों ज़रूरी है, इसका यूज़ क्या है, हमको कैसे ये फ़ायदा पहुंचाएगा, हम ये सब कवर करेंगे आज के टॉपिक में। तो दोस्तों, अगर आपने सुना होगा और आप हो सकता है डेली फेस भी कर रहे हो कि आपके पास बहुत बड़ा अपना एप्लीकेशन लॉग है, तो आपको आपकी ज़िंदगी में लॉग्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको उसको रीड करना है, एनालाइज करना है, समझना है कहाँ प्रॉब्लम आया वो सॉल्व करना है, क्यों परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है वो देखना है आपको। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है ELK स्टैक, आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एनालिसिस मेनली रहता है वो खास करके जो सपोर्ट में हैं, जो L3 जॉब में हैं, उनका ये रहता है कि वो कैसे प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें और उसको फिक्स करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ELK स्टैक। E का मतलब हुआ इलास्टिक सर्च, L का मतलब है लॉग स्टैश, K का मतलब है किबाना। और जो हमारे लॉग्स को कलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं लॉग स्टैश। इलास्टिक सर्च हमारे जो हमारा लॉग जिसको लॉग स्टैश ने भेजा है उसको एनालाइज करता है, उसको इंडेक्स करता है। और किबाना हमारे जो इलास्टिक सर्च ने प्रोवाइड किया है इंडेक्स्ड लॉग्स उसको विजुलाइज करने में, उसके लिए डैशबोर्ड क्रिएट करने में मदद करता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये हम स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम कर सकते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए कि हमारा सिस्टम लॉग्स है, एप्लीकेशन लॉग्स है, उसको लॉग स्टैश के अंदर बहुत सारे प्लगइन दिए हुए हैं जिनको वो एज ए इनपुट लेता है और आउटपुट देता है इलास्टिक सर्च को। और इसी तरीके से हम डेटाबेस को भी रीड कर सकते हैं। मान लीजिए आज हमारा बैंकिंग एप्लीकेशन है, अगर हमको ये देखना है कि कौन कौन से क्लाइंट्स आज सिस्टम में लॉगिन किए हैं, कौन कौन से ट्रांसफ़र्स उन्होंने परफॉर्म किए हैं, वो सारी चीज़ें हम लॉग स्टैश से कलेक्ट करके डेटा उसको इलास्टिक सर्च को डंप करके फिर किबाना के थ्रू उसको शो कर सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होता है। अगर हमारा सीनियर मैनेजमेंट देखना चाहेगा कि डैशबोर्ड आज हमारा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो उनको हम एक सिंगल डैशबोर्ड में सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आज के टाइम पे हॉट टॉपिक है और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े मॉनिटर्स लगाती है अपने यहाँ जस्ट टू शो कि आज का हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। इवन इसके अलावा हमारे जो सिस्टम लॉग्स हैं और एप्लीकेशन लॉग्स हैं हमको ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी, मान लीजिए मेरे पास 10 क्लस्टर्स हैं, सर्वर हैं, और उनमें किसी एक सर्वर ने इशू, इसमें इशू आया है, तो वो प्रॉब्लम को नैरो डाउन करने के लिए बहुत आसान हो जाता है कि कहाँ पे मेरा ये इशू आया है और मैं उस पर्टिकुलर क्लस्टर को हाईलाइट करके देख सकता हूँ और उसको प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कर सकता हूँ। अगर मेरे मान लीजिए कोई सेशन है जो कि ज़्यादा टाइम ले रहा है या कोई पेज लोड होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, इवन वो चीज़ मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ आफ्टर पुटिंग दिस इनटू डैशबोर्ड कि ये कौन सा जो रिस्पांस है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। एज अ रिस्पांस हम उसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पेज लोड होने में इतना टाइम क्यों ले रहा है, परफॉर्मेंस, वेयर इज़ द परफॉर्मेंस इशू, कहाँ है परफॉर्मेंस इशू, ये हम सब चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर मुझे कहीं एक्सेप्शन आया है या कहीं एरर आ गया है सिस्टम में किसी रीज़न से, तो वो एक्सेप्शन या एरर को मैं एज ए स्ट्रिंग ले सकता हूँ और उसको इवन अलर्ट भी भेज सकता हूँ। मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ अलर्ट कि मुझे जब भी कभी एक्सेप्शन और एरर आए तो मेरा अलर्ट जाए मेरे सिस्टम एडमिन को और वो फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दे। मान लीजिए कोई CPU मेमोरी यूसेज है या कहीं सर्वर डाउन होने का हो रहा है, वो भी थ्रेशोल्ड हम सेट करके अलर्ट भेज सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमारा प्रोवाइड करता है, ई फॉर इलास्टिक सर्च, एल फॉर लॉग स्टैश, के फॉर किबाना। और आज के टाइम पे इलास्टिक ELK स्टैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ओपन सोर्स है, ये तीनों एक साथ भी काम अच्छे से करते हैं, एज यू नो जो जो कि आप सुन रहे हैं ELK स्टैक, और ये इंडिविजुअली भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए। आपको कुछ विजुलाइज करना है, एज ए पाई चार्ट ग्राफ देखना है, हॉरिजॉन्टल व्यू देखना है, वर्टिकल व्यू देखना है, सारी चीज़ें आप इसको किबाना के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस जो भी मैं डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एन्जॉय माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको शो करूँगा ये तीनों चीज़ें डाउनलोड करके दिखाऊँगा और फिर मैं ये इनको रन करना आपको सिखाऊँगा। थैंक यू।